हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रतिभा पांडे स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी जोन प्रतिभा में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं उपकार से जुड़ी एक छोटी सी कहानी, शेर और चूहे की। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। उपकार शेरों पर करें, चूहों पर नहीं। जंगल में शेरनी शिकार के लिए दूर तक गए, अपने बच्चों को अकेला छोड़कर। जब तक देर नहीं लौटे तो बच्चे भूख से छटपटाने लगे। उसी समय एक बकरी आई, उसे दया आई और उन बच्चों को दूध पिलाया और बच्चे मस्ती करने लगे। तभी शेरनी आए, बकरी को देख लाल पीले होकर हमला करता। उससे पहले बच्चों ने कहा, इसने हमें दूध पिलाकर बड़ा उपकार किया है, नहीं तो हम मर जाते। अब शेर खुश हुआ और कृतज्ञता के भाव से बोला, हम तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। जाओ आज़ादी के साथ जंगल में घूमो, फिरो, मौज करो। अब बकरी जंगल में निर्भयता के साथ रहने लगी। यहाँ तक कि शेर के पीठ पर बैठकर भी कभी कभी पेड़ों के पत्ते खाती थी। यह दृश्य चील ने देखा तो हैरानी से बकरी को पूछा। तब उसे पता चला कि उपकार का कितना महत्व है। चील ने यह सोचकर कि यह प्रयोग मैं भी करती हूँ। चूहों के छोटे छोटे बच्चे दलदल में फंसे थे, निकलने का प्रयास करने पर कोशिश बेकार। चील ने उनको पकड़कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बच्चे भीगे थे, सर्दी से कांप रहे थे। तब चील ने अपने पंखों में छुपाया, बच्चों को बेहद राहत मिली। काफी समय बाद चील उड़कर जाने लगी तो हैरान होती, चूहों के बच्चों ने उनके पंख कुतर डाले थे। चील ने यह घटना बकरी को सुनाई, तुमने भी उपकार किया और मैंने भी, फिर यह फल अलग क्यों? बकरी हंसे, फिर गंभीरता से कहा, उपकार करो तो शेरों पर करो, चूहों पर नहीं, क्योंकि कायर कभी उपकार को याद नहीं रखते और बहादुर कभी उपकार को नहीं भूलते। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर दोस्तों आपको हमारी यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।